हरामी उतर उतर। आयो रे मां। जानवरों की फाइट मतलब हमारे लिए फ्री का तमाशा, और इनकी हरकतें किसी को नींद से भी उठाने के लिए काफी हैं। इनके कान देखकर आप हंसी से लोटपोट होने वाले हैं और इनमें काफी प्यारे मोमेंट भी होने वाले हैं। तो बिना स्किप किए चुपचाप इस वीडियो को पूरा देखना, वरना ये बंदर भाई बैठा है आपको सबक सिखाने, तो जरा संभल के। दोस्तों ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाले बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर लें। लगता है यहाँ इस बियर ने इस भाई के पार्टी में आकर सारा खाना खा लिया है, और अब ये भाई इस बियर को बाहर जाने के लिए कह रहा है, जिसका बियर को गुस्सा आया और उसने भाई को एक झटका मारा। मैं बुलाया किसने मुझे ये तो बता, तुझे कहा किसने ग्रुप में आने को? चिल्लाता क्यों रे? माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ बम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। पतली गली से निकल 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 बाहर निकल, अभी निकल घर से बाहर। इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ। अरे तू जा रही, चल 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 चल। ये मोहतरमा गाय का दूध निकाल रही थी जो शायद फ्रेश दूध पीना चाहती थी, पर जैसे ही दीदी ने कप को मुंह पे लगाया, काव ने फटाक से पूछ दे मारी दीदी के मुंह पे, जो कह रही होगी ये क्या सिर्फ दूध, अरे बॉर्नविटा तो ले ले। हेलो फ्रेंड, चाय पी लो। सबको बता, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। जंगल के रास्ते से ये दो भाई गाड़ी लेकर कहीं जा रहे थे, तभी इन्हें शेर दिख गया, जिन्हें लगा जैसे आज इनका आखिरी दिन है, लेकिन अपने शेर भाई ने उन्हें बिना नुकसान पहुंचाए वहां से जाने दिया, जो कह रहा होगा बेटा आज मेरा उपवास चालू है इसलिए छोड़ देता हूँ, एक काम करो कल इसी वक्त आ जाना। आएगा ना? आऊंगा ना भाई। पक्का आएगा ना? अरे 100% आऊंगा भाई। अच्छा। दिन खराब है इसलिए शांत बैठा हूँ, जिस दिन दिमाग खराब होगा दुश्मनों से लेके मतलबी दोस्तों तक सबका हिसाब होगा। ठीक है भाई, ओके भाई, ठीक है भाई मैं चलता हूँ। ओके ओके बाय, ओके बाय। बाल बाल बच गया रे देवा। औरंग उटान टूरिस्ट के साथ फोटो और उनके साथ मस्ती करते हैं, ये तो हमने देखा है, पर शायद इस बंदर भाई ने तो इस लड़के के अखरोट ही मसल दिए, और ऊपर से ये हंस भी रहा है। एक बात बता, ये सब करके तुझे क्या मिल जाता है? मजा आता है, मजा आता है। जहाँ ये बिल्लियाँ भरी बरसात में झगड़ रही है और एक दूसरे को उड़ उड़ के मुक्के और लात बरसा रही है, इनकी फाइट देख के ये किसी मूवी के सीन की तरह लग रहा है। क्यों, सही कहा ना? सुना है तू सबको तीन चांस देता है, मैं तुझे देता हूँ, आजा। दूसरा चांस, आजा। अरे आना, दोनों को बराबर का मौका, लास्ट चांस। अरे मेरी बात सुन भाई, क्या कर रहे है? मेरा भाई है ना भाई, हा? घोड़ा ऐसा जानवर है जिससे कोई पंगा ले तो इसकी एक किक ही काफी है उसे तोड़ने के लिए। इन कुत्तों ने भी एक ऐसे ही घोड़े से पंगा लिया है जो इसे बेवजह तंग कर रहे हैं। ये कुत्ता दूर से भौंक रहा है जिसे शायद प्रसाद मिल चुका है, और वो इनको बोल रहा होगा, अरे बादल भाई से पंगा मत लो वरना दिन में तारे दिखा देगा वो। चल फुट यहाँ से, मरोगे आज मरोगे। बाहर निकालो इसको, बाहर निकालो। हमारे नाद में मत लगो रे, तुम लोग बहुत मारते हम लोग, तुम लोग को नहीं मालूम। ए चले चल, 1 2 4 चल निकल यहाँ से, चल चल बुलाना, चल चल बाहर की लग गए। पांडा काफी लोगों का फेवरेट एनिमल है क्योंकि ये क्यूट और बहुत ज्यादा मस्तीखोर होता है, जिनकी लाइफ सबसे बेस्ट होती है, जो सिर्फ खाते हैं और खेलते हैं और सोते रहते हैं, जैसे कि इस वीडियो में देखिए, यहाँ ये दो पांडा मजे से अपना डिनर एंजॉय कर रहे हैं कि तभी वहाँ इस वर्कर की एंट्री होती है, और वो इन दोनों की खाने की प्लेट हटाकर उनका मुंह कपड़े से साफ करके उन्हें फ्रूट खाने के लिए दे देता है, जिनकी सेवा किसी राजा महाराजा की तरह हो रही है। सच में यार इन्हें कोई टेंशन नहीं, सिर्फ खाओ पियो और सो जाओ, बस मजा नहीं लाइफ। ए बाबा, ये पूरा पी गया, ये ठेका ठेका कटोरा पी गया। देखो क्या बोला, इसको सुपर चाहिए, ये बहरा के साथ घूमता भी है। तो पैसा है तेरे पास? नहीं।
तो और सुख का पैसा के तेरे बाप देगा? ऐसा जमा जमा करता है, दबा दबा के खाता है। कुछ लोग पंछियों को पैसे कमाने के लिए बेचते हैं। ये गलत बात है जी, ये गलत बात है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उन लोगों को पैसे देकर इन पंछियों की आजादी खरीद लेते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं, इस आदमी के सामने कई सारी चिड़िया खड़ी है जिन्हें ये भाई अनाज की बोरी उठाकर दे देता है, जिसके बाद सारी चिड़िया खाने के लिए आ जाती है। सच में भाई, इन भाई साहब के लिए एक लाइक तो बनता है बॉस। यहाँ जेब्रा और गेंडे की फाइट चल रही थी। लगता है जेब्रा भाई इस गेंडे को लात मारकर बताना चाहता है कि वो कितना शूरवीर है, लेकिन गेंडा भाई ने जेब्रा भाई के पिछवाड़े में सींग घुसाए, जिसने मौका देखकर चौका मार दिया। भाई झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। इधर मत रे, तू इधर आना, थोड़ा इधर आना मेरा बच्चा, तू इधर आ। ये मेरा चश्मा। हर ग्रुप में एक ऐसा अतरंगी होता है जो अपनी ही मस्ती में रहता है, वैसे ही एक इन डक के ग्रुप में भी है जो ये रहा। ये सब डक्स नॉर्मल डक की तरह चल रहे हैं, पर इस डक की चाल सबसे अलग है, जो किसी परेड के सिपाही की तरह चल रहा है। गाइस, आप सोच रहे होंगे कि ये सब डॉग्स की गैंग इस आदमी के पास क्यों दौड़ते हुए आ रही है, और डॉग भी प्यार से मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये भाई हर दिन इन स्ट्रीट डॉग को गाड़ी में खाना लेकर आता है, और सभी डॉग्स को अपने हाथों से। अपने इंडिया में भी कई सारे लोग हैं जो डॉग्स की मदद करते हुए दिखाई देते हैं। इस भाई के अच्छे काम के लिए एक लाइक तो बनता है बॉस। अरे कायरे मंडली, भाई कैसा है भाई? मुझे थोड़ा खाना मिल सकता है क्या? आप दो ना, आप दो ना। और हाँ, कोई धक्का बुक्की करेगा नहीं, सबको मिलेगा, सबको मिलेगा, कोई धक्का बुक्की करेगा नहीं, लाइन से आने का, लाइन से लेने का। लगता है इस जेब्रा भाई की गर्लफ्रेंड उसको छोड़कर भाग गई है, इसलिए ये जेब्रा भाई इतना दुखी है, और ये बेबी एलिफेंट उसको समझाने की कोशिश कर रहा है। किसी एलिफेंट को किसी जेब्रा के साथ मस्ती करते हुए आपने भी पहली बार ही देखा होगा, है ना? अबे ओ उजड़ी हुई रियासत के लुटे हुए सुल्तान, और एक बात और सुन ले मेरे यार, कि लाइफ में तीन चीजों के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए, बस, ट्रेन और छोकरी। एक गई, दूसरी आती है, समझा? भूल जा उस लड़की को, वो तेरी जिंदगी में नहीं आने वाली है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इनमें से किसका कांड सबसे ज्यादा फनी और हंसा देने वाला लगा, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और यार, इस वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है, इसीलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मैं मिलता हूँ आपको एक और नई वीडियो में।